अंतरिक्ष में धरती का नया दोस्त एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा 1.2 किलोमीटर लंबा ट्रोजन एस्टेरॉयड 4000 साल तक लगाएगा सूर्य का चक्कर। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एस्टेरॉयड खोजा है जो न जाने कितने हजारों या लाखों साल से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इस खोज से धरती को अंतरिक्ष में एक नया पड़ोसी मिल गया है। इस 1.2 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड को ट्रोजन एस्टेरॉयड कहा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक ये आने वाले कम से कम 4000 सालों तक पृथ्वी के पथ पर ही सूरज के चक्कर लगाता रहेगा। प्रदेश में पत्थर की खदानों में काम करने वाले हजारों खान मजदूर जानलेवा सिलिकोसिस बीमारी का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए, लेकिन इनकी बेवाओं और बच्चों को आज भी सरकार की नीति के तहत मिलने वाले मुआवजे व मासिक पेंशन का इंतजार ही है। न इनके परिवारों को हक पता है और न ही सरकार ऐसे लोगों तक पहुंच पाई है। हक मांगने पहुंचे लोगों के प्रति भी सरकारी मशीनरी का रवैया टालमटोल का रहता है। कई लोग मानवाधिकार आयोग की शरण में गए हैं, तब भी न्याय अभी लालफीताशाही में ही उलझा हुआ है। हाल ही आयोग ने जोधपुर के जिला कलेक्टर को एक मामले में यह बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है कि खान श्रमिक की विधवा को 10 साल बाद भी मुआवजा क्यों नहीं मिला। दिनांक 4 फरवरी 2022 को कोरोना वायरस ओमिक्रोन से बचाव हेतु नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कालवा, अधिशासी अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह के आदेशों की पालना में पालिका कोविड टीम कालूराम सेन, महेंद्र कुमार, मंजीत, शिशुपाल, अश्वनी द्वारा चरण सिंह चौक, राठी स्कूल से मराठी पेट्रोल पंप तक बिना मास्क वालों को 50 निःशुल्क मास्क वितरण किए गए तथा कोविड 19 के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर 10 आम जनों पर जुर्माना लगाकर 1000 रुपए वसूल किए गए एवं कोविड 19 पालना हेतु आम लोगों को जागरूक किया गया। अब पशु चिकित्सालय की खाली पड़ी भूमि में बनेगा न्यायालय भवन। पशुपालन विभाग ने राजस्व विभाग को दी सहमति। 1,56,533 वर्ग फुट भूमि न्यायालय परिसर हेतु सौंपने पर दी सहमति। राजस्व विभाग जल्द ही करेगा न्यायालय भूमि आवंटन। पूर्व में न्यायालय के लिए आवंटित भूमि पर हो गया था विवाद। आज IIM में सूरतगढ़ और अपेक्स क्लब सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर मनीराम स्वामी की 40वीं पुण्यतिथि पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्रीमती परमेश्वरी देवी ने किया व श्रीमती ममता स्वामी और श्रीमती परमजीत शर्मा द्वारा रक्तदान करके इस शिविर का शुभारंभ किया गया। IIM अध्यक्ष डॉक्टर SK सिहाग, अपेक्स क्लब के अध्यक्ष मिस्टर अशोक भट्ट, परियोजना अधिकारी मनोहर जी शर्मा इस मौके पर उपस्थित रहे। इस शिविर में डॉक्टर KL बंसल, डॉक्टर इंदर चुग, डॉक्टर राहुल छाबड़ा, डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर जयंत व्यास, डॉक्टर गौरव वलाना, गिरधारी शर्मा, आनंद जी जैन, श्याम सुंदर लिडोहिया, अशोक धमीजा, राजेंद्र बाबू मिश्रा, समाज सेवी रमेश चंद्र माथुर, डॉक्टर परमिदर स्वामी, मैथिली ब्लड बैंक के योगी जी व उनके स्टाफ द्वारा सहयोग किया गया। विशेष सहयोग भाटिया आश्रम का रहा। प्रवीण जी भाटिया द्वारा अपने बच्चों को भेजकर रक्तदान करवाया गया। इस अवसर पर लगभग 97 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया। इस ब्लड से कई जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। अंत में सभी का धन्यवाद प्रेषित किया गया। आज जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति द्वारा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनिल रैना के सूरतगढ़ आगमन पर एक प्रतिनिधि मंडल मिला व सूरतगढ़ रेल समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर लिफ्ट लगाकर शीघ्र शुरू की जाए, 2 नए EVM मशीनें उनको दुरुस्त करते हुए उसकी संख्या बढ़ाई जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पर कोच डिस्प्ले बोर्ड शीघ्र लगाए जाए व अन्य समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष ललित किशोर शर्मा, बार संघ राजस्व के पूर्व अध्यक्ष साहब रामस्वामी, मास्टर रामप्रताप खोरवाल, एडवोकेट कमल दत्त शर्मा, भवर बारिया, नगर पालिका सूरतगढ़ के पार्षद जसराम टाक, रेल विकास संघर्ष समिति सचिव हेमंत चांडक, रामस्वरूप सहित शहर के अन्य नागरिक उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया EVM मशीन रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार व सर्वोदय नगरी की तरफ महीने में 5 व 10 दिन तक खराब रहती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की उपयोगिता इसलिए आवश्यक है, पुल ऊंचाई ज्यादा होने के कारण महिला बीमार विकलांग उस पर नहीं चढ़ पाते, जिससे उनको बहुत कठिनाई होती है। कोच डिस्प्ले बोर्ड लगने से यात्री को अपने सही कोच में चढ़ने की सुविधा मिल सकेगी।
इस पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीकानेर ने बताया, लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया मंडल द्वारा प्रस्ताव बनाकर हेडक्वार्टर को भेजा गया है, जिस पर जल्दी ही कार्रवाई होने की उम्मीद है। टिकट मशीन रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ मुख्य द्वार व सर्वोदय नगरी की तरफ सही करवा दी जाएगी। भविष्य में ठेकेदार को इसके लिए पाबंद किया जाएगा ताकि मशीन खराब होने पर तुरंत सही कर सके। कोच डिस्प्ले बोर्ड प्लेटफॉर्म 2, 3 व 4 पर स्वीकृत हो चुके हैं, जिनको जल्दी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक्सप्रेस वे मेल ट्रेनों में अनारक्षित करने की कार्रवाई चल रही है। हेडक्वार्टर को इसका प्रपोजल भेजा हुआ है, दोबारा रिमाइंडर शीघ्र ही भेजा जाएगा। सूरतगढ़ से अनूपगढ़ जाने वाली सायंकालीन पैसेंजर रेल सेवा का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए हेडक्वार्टर भेज दिया गया है।